नोएडा जिले के प्रतापनगर इलाके में 36 वर्षीय महिला की संगीत परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि महिला को जहर देकर मारा गया है। उनका कहना है कि 13 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी, उसकी 7 साल की बेटी भी है। शादी के बाद से ही लगातार उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। ये तो ये मार पिटाई हुई, लड़की स्पायर होगी जब लगा यहाँ अलग पहुँचे। क्या नाम था आपकी बेटी की और शादी कहाँ पर हुई थी? शादी खिदरी हुई थी। क्या किस वजह से मौत, क्या लगता है? क्या कुछ भी वजह नहीं थी, कल ये काम पे थे आया, आंधी परसों आया था काम पे, थे कल मार पिटाई करी उसके साथ, अपना जहर दे दिया और अपना खेत में फेंक दी बाहर। शादी कितने समय पहले हुई थी? 13 साल हुई। कोई बच्चा वगैरह भी है? लड़की है छोटी। तो आपको कैसे पता लगा इस घटना का? किस इसी ने फोन करे हैं। क्या बताया फोन में? जुगा जी, आपकी लड़की ने जहर खा लिया। अच्छा, जो हमने रात कराया और उसका कोई मैसेज हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और वो बेहोश है। तो आपने कोई पुलिस वाले को सूचना दी इस मामले में? इस बारे में हम सीधे हॉस्पिटल में ही आए, उससे बाद गए जी, जब यहाँ तो हमारे को देखने भी नहीं दी, उस टाइम पूरी हो ली थी खत्म। शिकायत दे दी आपने? दे दी जी। शिकायत का कोई कल की कोई रेस्ट नहीं होया, कोई कार्रवाई नहीं। मामला ये हुआ था कि हमारी लड़की की शादी खदरी शाहबाद मारकंडा छपरी से 13 साल पहले हुई थी। 13 साल पहले शादी होने के बावजूद लड़की बहुत परेशान थी, क्योंकि बाद में पता चला भी लड़का नशीढ़ी है। लड़के नशीढ़ी होने के कारण हमें कई पंचायतों में फैसला भी किया, चलो लड़की को फिर भी भेज दिया। लड़की के पास 7 साल की लड़की भी है। तो कल हमारे पास फ़ोन आया 11 बजे, भी मैं, मेरे घर वाले ने और उसकी ननदें परेशान कर रखी हूँ, भी मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, आप आओ और मेरे को यहाँ से बचा के ले जाओ। शाहबाद से जब तक आने में हमारा 2 घंटा लगा, 2 घंटे तक हम आए, तब तक लड़की को जहर देकर इन्होंने पूरा कर दिया था। हॉस्पिटल में आए, लड़की हमारी मृतक पाई गई। थाना प्रताप नगर SHO ने लड़के के पक्ष की तरफ से FIR दर्ज करके 307 के मुकदमे को 306 में दर्ज कर दिया। हमारे जो मुकदमा है वो भी गलत दर्ज किया गया, क्योंकि हम टाइम पे पहुंचे नहीं। इस मामले में हम SPD SPC से अभी तलब होकर आए हैं। हमें आश्वासन दिया गया अभी शाम को 7-8 बजे तक उनको तकरीबन अरेस्ट कर लिया जाएगा। हमारी मांग ये है, हम लड़की की जो पोस्टमार्टम हुआ है सिविल हॉस्पिटल में, तब यहाँ से बॉडी लेके जाएंगे जब तक वो अरेस्ट नहीं होते। अगर आधे घंटे घंटे तक वो अरेस्ट नहीं होते तो हमें मजबूरन रोड जाम करना पड़े, तो हम रोड पे बैठेंगे भैया। लड़ाई झगड़ा तो जब से 13 साल से शादी हुई शुरू से कर रहा था, क्योंकि वो कमाता तो था नहीं, चोरी करना उसका पैसा था। बाद में पता लगा लड़की परेशान थी ज़्यादा, और लास्ट में आप जानते हो कैसा ये लास्ट में क्या हुआ, लड़की को जहर देके मारा गया है, ये साफ स्पष्ट है। इसमें रिकॉर्डिंग भी आया, तकरीबन 11:30 बजे लड़की ने फोन भी किया अपने घर, मेरे को बचा लीजिए। 2 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने काम कर दिया, प्रशासन काम नहीं कर रहा इसके खिलाफ। वही इस पूरे मामले में जांच अधिकारी ओम प्रकाश का कहना है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल एक हमारे को सरकारी हॉस्पिटल प्रतापनगर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रजिया वाइफ ऑफ सुल्तान फारूक हिजरी पॉइजनिंग केस में एडमिट हुई है और उसको यमुनानगर रेफर कर दिया। जिस आधार पर हम वहाँ से MLR रुका लेकर यमुनानगर पहुँचे, यमुनानगर इतना पहुँचे उसकी डेथ हो गई। फिर उसके फादर ने हमारे को कंप्लेंट दी थाने में, हमने उस पर 306/34 IPC का मुकदमा दर्ज कर दिया है और आज पोस्टमार्टम कराया है। 2 आरोपियों के पर आरोप लगे हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि महिला की 13 साल पहले प्रतापनगर इलाके से खिजरी गांव में शादी हुई, जिसके बाद अब उसकी संगीत परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। मृतक महिला के परिजन ससुराल पक्ष पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कार्रवाई में जुटी हुई है। बहरहाल अब देखना ही होगा कि मामले की जांच के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं और ये पता लग पाता है कि महिला के परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष पर लगाए गए आरोप सही हैं या गलत। पंजाब केसरी TV के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।